चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। अहलाबाद उपचुनाव का अंतिम व सटीक सर्वे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने अहलाबाद उपचुनाव का अंतिम व सटीक सर्वे जहां तक अनुमान लगाया गया, जहां तक हमने समझने की कोशिश की, वहां तक हम पहुंचे। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि क्या हमारा सर्वे सही है। अहलाबाद उपचुनाव का यह अंतिम सर्वे है जिसे आसान भाषा में समझाने के लिए जातिगत वोटों को आधार बनाया गया है ताकि तस्वीर एकदम स्पष्ट हो सके। दोस्तों, जातिगत आधार पर हमने चार कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में जाट व सिख है जो कि 37.5% जाट व 7.5% सिख है। ये कुल वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा 45% है। इन 45% वोटों में से अकेले अभय सिंह को 75% और पवन बेनीवाल को 20% मिलते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है दलित वोटों की जो कि 19.5% है, जिनमें 9% रविदासी समुदाय की है। इस 9% का बड़ा हिस्सा पवन बेनीवाल व अभय चौटाला को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 10% में बीजेपी को बड़ा हिस्सा मिलता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम समुदाय की 1% वोट भी अभय व पवन में बट रही है। अतः यह तो साफ है कि 45% जाट व सिख, 9% रविदासी और 1% मुसलमान, इन तीनों को मिलाकर 55% में बीजेपी के गोविंद कांडा को कुछ खास मिलता हुआ नहीं लग रहा है। अहलाबाद की टोटल वोट 186,103 है, जिनमें 103,000 में बीजेपी साफ है। अहलाबाद में एससी वोट 19.5% और ओबीसी वोट 23% है जो कुल 42.5% है। ओबीसी में 5% कंबोज को छोड़कर बड़ा हिस्सा बीजेपी को जा रहा है। अभय चौटाला व पवन बेनीवाल को थोड़े थोड़े वोट सभी जातियों से मिलते हुए लग रहे हैं। अंतिम कैटेगरी में ब्राह्मण, बनिया व पंजाबी है जो 9% है, जिनमें 50% में अकेले बीजेपी है और बाकी 50% में अभय व पवन है। बिश्नोई राजपूत 1.5% और अन्य 1% में भी गोविंद, अभय व पवन तीनों वोट ले रहे हैं। इस तरह कह सकते हैं कि इनेलो के अभय सिंह चौटाला को 45-48% वोट मिलते हुए लग रहे हैं। बीजेपी के गोविंद कांडा को 28-30% वोट मिलते हुए लग रहे हैं और कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 18-20% वोट मिलते हुए लग रहे हैं तथा 4% वोट अन्य को मिलते हुए लग रहे हैं। पूरे चुनावी सर्वे का आकलन करने के बाद एक बात तो तय है कि जाट और जट सिखों के अलावा दूसरी जातियों का अच्छा खासा वोट अभय को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर समाज से थोड़ा हिस्सा पवन को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दलित पिछड़ों के वोट सबसे ज्यादा गोविंद कांडा को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।